फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में हार्दिक स्वागत है। वीकेंड में कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए, कम से कम संडे के दिन तो कुछ चटपटा सा बढ़िया सा नाश्ता तो बनना ही चाहिए। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्वांटिटी डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है। लेकिन एकदम सस्ते जुगाड़ो टाइप से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कभी बैटर कम कभी बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए बढ़ाते हैं। इसके लिए मैंने करीबन 6 से 7 उबले हुए आलू ले लिया और अच्छे से उसे मैशर से मैश कर लिया, स्वाद अनुसार नमक यानी कि 1 चम्मच नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में करीबन 6 से 7 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है और उसमें स्वाद अनुसार नमक करीबन 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, तभी हमारे ब्रेड पकौड़े एकदम फूले फूले एकदम बाहर हलवाई जैसे बनकर तैयार होंगे। इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हलवाई वाले पता है क्या करते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर तो डालते ही डालते हैं, साथ ही साथ इसे 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट भी देते हैं, बट हमारे लिए 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट भी इनफ है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड की स्लाइसेस। अब ब्रेड की स्लाइसेस जो है उसे हमें कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में काट लेना है, इसी तरीके से बहुत ईजी होता है इसे काटना और काटने में बड़ा मज़ा भी आता है। तो ये लीजिए, इसी तरीके से सारे ब्रेड के स्लाइसेस तैयार कर लूंगी मैं। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में करीबन 2 चम्मच ऑयल ले लिया और अच्छे से अजवाइन मंगरेलों को क्रश करके डाल दिया है, 2 से 3 हरी मिर्च को भी इसमें अच्छे से चॉप्ड करके डाल देंगे और 1 मीडियम साइज प्याज को भी चॉप्ड करके डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से सौते कर लें। बढ़िया से इसमें एक कलर आ चुका है। अब हमने जो आलू और नमक का मिश्रण बनाकर तैयार किया था वो अब इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी भी स्टफिंग एकदम मसालेदार बनकर तैयार हो। ये लीजिए, आलू की फिलिंग तो एकदम बढ़िया से बन चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। 10 से 15 मिनट भी हो चुके हैं, एक बार हमारे बैटर की कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए पहले से कितना थिक भी हो चुका है और यही इतनी कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। बैटर तो तैयार है, अब हम चलते हैं हमारे ब्रेड में फिलिंग भरने के लिए। यहाँ पे मैंने जो ब्रेड तैयार करके रखा था उसमें अब इस तरीके से आलू की फिलिंग को हम स्टफ कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस फिलिंग के साथ आप इसमें अनियन की रिंग भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर की स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं बहुत ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें उसका टेस्ट आता है इसके साथ। यहाँ पे मैंने अनियन रिंग्स ऐड करी हैं। अब इसके ऊपर जो दूसरी ब्रेड की स्लाइस है वो भी डाल देंगे और ये लीजिए परफेक्ट सा हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारी ब्रेड की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तेल हो चुका है एकदम गर्मा गर्म। अब यहाँ पे ब्रेड जो हमने लिया है इसे अच्छे से बेसन के घोल में डिप कर लेंगे, अच्छे से इसे रैप कर देंगे, कोट कर लेंगे बेसन के घोल से। हल्के हाथ से हमें इसे पकड़ना है, ज़्यादा टाइट से नहीं पकड़ना, वरना क्या होगा ना ब्रेड टूट जाएगा और फिर हैंडल नहीं हो पाएगा। अच्छे से हल्के हाथ से पकड़ कर और इस गर्म गर्म तेल में इसे डाल देना है। गैस का फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए। डालने के 2 से 3 सेकंड बाद ही हमें इसे दूसरे साइड से भी पलट लेना है, वरना क्या होगा ना एक साइड से तो ये एकदम करारा टाइप हो जाएगा और दूसरे साइड से एकदम मुलायम सा रह जाएगा। इसलिए हमें एक साइड डालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसे तुरंत ही पलट लेना है। एकदम लग रहा है ना बढ़िया सा, एकदम हलवाई जैसा इसका टेक्स्चर भी आया है और कितना फुला फुला हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है बनकर तैयार हुआ है। यहाँ तो मैं इन्हें सिर्फ एक ही बार ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन हलवाई वाले पता है क्या करते हैं, वो इन्हें 2 बार ऑयल में फ्राई करते हैं। पहली बार वो हल्का सा इन्हें फ्राई करके निकाल लेते हैं और जब कस्टमर को उन्हें देना होता है तो गरम गरम ऑयल में इनकी एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आने का, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते हैं और ग्राहक को दे देते हैं। इससे क्या होता है ना कि
हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है एकदम बढ़िया सा पक भी जाता है, उसका जो बेसन का बैटर है अच्छे से सिज भी जाता है और एक बढ़िया सी क्रंचीनेस से लेयर भी आ जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे एक ही बार में ज़्यादा देर तक फ्राई किया है, इससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तो इस संडे इसे बनाया और मेरे परिवार वालों ने इसे खूब खाया, बहुत बढ़िया लगा उन्हें। और आप भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, इस तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाकर ट्राई ज़रूर करना, एकदम फूले फूले से बनकर तैयार होंगे और इसमें एक क्रंचीनेस से लेयर भी आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी फ्लफीनेस आई है इसमें, और इसको मैं अंदर से आपको काट के भी दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया ये ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई हो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और अंदर से इसका टेक्सचर दे सकते हैं कितना परफेक्ट आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। बाय।